हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग सब मस्त होगे, बिंदास होगे, स्वस्थ होगे। तो अभी हम रेडी अगर हो के हम जा रहे हैं। आज है दशहरा और अभी हमारी सोसाइटी में रावण दहन होगा और रामलीला भी होगी। मम्मी मासी और नानी ये लोग पहले पहुंच गए थे। हम लोग हैं सारे, हम लोग जा रहे हैं उन लोगों के पास। रामलीला दिखाएंगे थोड़ी सी, आज रावण दहन दिखाएंगे और रात को अगर मैं वहाँ गया मातृ मंदिर दुर्गा पूजा दिखाऊंगा आप लोगों को, तो उस चीज़ के लिए स्टे ट्यून। माता जा रही है, नाच गाना हो रहा है यहाँ पे, माँ को लेके जा रहे हैं। देख लो डांस वगैरह हो चुका है यहाँ पे। माता को बाय बाय कर दे, वो विश मांग ले कुछ अच्छी सी मन में। आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। खा रही है बाबा जी, सरांज खा रहा है टिक्की, दोनों ही खा रहा है फिलहाल, दोनों ही खा रहा है। मैं खा रहा हूँ टिक्की। प्रांशु कहाँ है? गया किधर? सीट पे। सीट पे लेके चले गया। क्या था उसका? टिक्की। चाउमीन था? टिक्की भी खाई। चौम है? टिक्की भी देखी। प्रांशु की चाउमीन थी या टिक्की थी? नहीं, चाउमीन। हाँ वही ना। परिवार की वजह से।
बोल दिया मैंने रामचंद्र महाराज की, बोलो लक्ष्मण जी महाराज की, सीता मैया की, बोलो आप ही आ जाओ फाउंडेशन की हमारी बहन अंजलि सिंह अंजलि सिंह के लिए युद्ध की तैयारी जोरदार भाई पीछे पीछे हो जाए सब लोग बच्चे पीछे हो जाओ कुछ लग सकता है तलवार वगैरह ना लग जाए बच्चे पीछे हो जाओ सब लोग इंद्रजीत और रावण नितिन और नवीन हमारे शिव सिंह चौहान हमारे शिव सिंह चौहान आज एक रोल में रूपिया रावण के रोल में हमारे शिव सिंह चौहान बहुत खूबसूरत रोल में दो मिनट हमारे सुनील यादव जी भी कुछ जयकारा जरूर लगाएंगे मैं उनसे विनती करूंगा कि जयकारा जरूर लगाए यहाँ उपस्थित है आज दुर्गा माँ के विसर्जन का भी दिन है तो मैं चाहूंगा जो लंका की तबाही कराने में तुला है रावण
अभी तक तुझे इसके परिणाम मालूम नहीं। मैं वाकिफ हूं परिणाम से, परंतु तुझे चांद की जरा भी ना मिलेगी। मेरे जीते जी तू चांद की ना ले पाएगा नाम। अच्छा, अब युद्ध भूमि में ही देखा जाएगा। शक्ति छूटने वाली है, कैसे मेघनाद और रावण होगा देखते जाएं। राम के रोल में हमारे आकाश अक्कू, राम के रोल में हमारे आकाश 71, 72, 73 के साथ, लक्ष्मण के रोल में सोमू, लक्ष्मण के रोल में सोमू, हनुमान जी के रोल में सुमित, किरण के रोल में गोपाल सिंह बेब टीवी देखो। अरे ओ राम रावण से युद्ध देगा, अगर इतना ही साहस है तो Ah!
हेलो राम और इंद्रजीत का युद्ध अभी आप देख रहे हैं किस तरह से लक्ष्मण इंद्रजीत को मारेंगे, उनका वध करेंगे, देखते हैं। उसके बाद राम और रावण का वध, रावण का वध कैसे होता है, राम जी कैसे उनका वध करते हैं, आइए देखते हैं। एक्स्ट्रा लोग नीचे उतर जाएं, जो स्टेज पर एक्स्ट्रा लोग हैं अगर तो नीचे उतर जाएं प्लीज, कोई भी ऊपर ना रहे, नीचे उतर जाएं। मैं मंडली वालों से भी गुजारिश करूंगा कि वो सुरक्षा पर थोड़ा ध्यान दें, मंडली वाले भी, सभी समिति वाले भी, सभी थोड़ा सा ध्यान दें, हमारे अतिथि को भी जगा दें। राम रावण युद्ध स्टेज पर होगा, राम रावण युद्ध स्टेज पर होगा, जिससे आपको इजी होगा। सभी लोग नीचे उतर जाएं, स्टेज पर युद्ध होगा, सभी लोग नीचे उतर के बैठ जाएं, कालीन पे बैठ जाएं सभी लोग। जोरदार ताली दोनों भाइयों के लिए, जोरदार ताली हमारे शिव सिंह चौहान के लिए, जोरदार ताली बैरूपिया रावण के रोल में। सभी लोग आप लोग सभी बैठ गए, अभी बड़ा सुंदर दृश्य आपके आगे आएगा, रावण जी उपदेश देंगे, उसको ध्यान से सुने आप अपने अपने स्थान पर बैठ गए, धन्यवाद। हर साल मुझे जलाते हो, फिर भी जलाना पाओगे तुम, खुद के भीतर झांकोगे तुम, खुद को खुद से पैदल पाओगे तुम। इनके बराबर विद्वान कोई नहीं, इस हेतु पुरानी शत्रुता के भेदभाव को भुलाकर तुम उनके पास जाओ और एक शिष्य के रूप में उनसे देव ग्रहण करो, जो आपका भ्राता जी। लंकेश कृपया पुराने भेदभाव को भुलाकर मुझे अपना शिष्य समझकर मुझे उपदेश देने का कष्ट कीजिए। भ्राता जी, वे तो आगे ही नहीं खोलते और ना ही कुछ बोलते हैं। लक्ष्मण, देश लेने का यह तरीका तुमने कहां से सीखा? जाओ उनके पांव की तरफ खड़े होकर उपदेश दो। जो आ गया भ्राता जी।
महात्मा, यदि मुझ पर कोई कृपा करने का कष्ट कर सके तो कुछ उपदेश देकर ही कृतार्थ की। लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकता हूँ, कारण मेरे शरीर की समस्त शक्तियां समाप्त हो गई है। संसारिक भोगों में कभी मन न लगाना, इन्हीं के कारण मेरी यह दशा हुई है। जो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हारी चापलूसी करे उसे कभी मित्र ना बनाना। उन्हीं चापलूसों के कारण आज मेरी लंका का नाश हो गया। अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझना और अपने सहोदर भाई से कभी पैर ना बढ़ाना। मैं चाहता तो स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लगा सकता था, किंतु मेरी सारी इच्छाएं मेरे मन में रह गई। अच्छे कार्य में देरी और बुरे कार्यों में कभी जल्दी मत करना। अच्छा, अब मैं अधिक नहीं कह सकता। महात्मन, आप जैसे सहर्षि राजा नितिज्ञ और विद्वान का वध करके मुझे अत्यंत दुख है, किंतु इसमें ना तो मेरा दोष है और ना ही आपका। इस युद्ध की अवधि में यदि कोई अनुचित शब्द मेरे मुंह से निकले हो तो मुझे क्षमा करना, कारण वैभव जीवन में भी होता है, मृत्यु के समय पैर रखना पाप है। इसके अतिरिक्त यदि आप जीवन की इच्छा रखते हो तो मैं आपको जीवन प्रदान कर सकता हूं। धन्य भगवान, धन्य। जिस गति को ऋषि मुनि तपस्या कर प्राप्त नहीं करते, उस गति के प्राप्त होने पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। नहीं भगवान, नहीं, मुझे प्राणों का कदापि मोह नहीं। मुझे मुक्ति दीजिए भगवान। भगवान, मेरी प्यारी मंदोदरी को धैर्य देना, परंतु भगवान मुझे इतना अवश्य बता दीजिए, जी आपकी हुई या मेरी, मैंने जीते जी आपको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। महात्मा जी, बात सब में आपकी हुई। अच्छा भगवान,
अब मुझे मुक्ति दीजिए भगवान। आप लोगों ने फोटोज देखी जो इससे पहले, तो गाइज अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और खाना वाना खाने के बाद अब बहुत ज्यादा थक गए थे, तो बस अब आज का दिन यही समाप्त हुआ। रावण दहन आप लोगों ने देख लिया, रामलीला होते हुए देखी, बहुत बहुत इस चीज़ के लिए हम शुक्रिया और लाइक मतलब लक्की मानते हैं कि भाई हम लोगों ने ये इन रियल देखी है। और आप लोगों को कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा है जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखना मेरे हिंदू भाई बहन। और बस मैं यही कहूँगा, प्यार बांटो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल सब्सक्राइब करो, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि हम बहुत क्लोज है 3000 के, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।